हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और इन्जॉय भी कर रहे होंगे। तो देखिए, मैंने अपने गार्डन में सर्दियों की तैयारी शुरू कर दी है। कि मैंने गेंदे के प्लांट्स, जो मैंने गेंदे आपको एक वीडियो शेयर किया था आपके साथ जिसमें सीड से मैंने गेंदे ग्रो किए थे, उन सबको मैंने अलग अलग शेयर शिफ्ट कर दिया है। और ये गुलदाउदी की कटिंग जो मैंने लगाई थी उनको भी शिफ्ट किया हुआ है। और इस तरह से मैंने कुछ गमले मेरे खाली थे, उनमें कुछ सीड्स डाले हुए हैं। वो मैं आपको, जब ये सीड्स ग्रो हो जाएंगे तब मैं आपको उनके नाम बताऊंगी। और इधर तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर ये मैंने जो हाईवे पर लगे होते हैं गुड़हल के प्लांट, मुझे बहुत अच्छा लगा एक बार कलर ये वाला, मैं लेकर के आई थी और मैंने इसकी कटिंग लगाई थी। और देखो कटिंग कितने अच्छे से चल गई है। और सादा मिट्टी में लगाई हुई है, कुछ नहीं किया मैंने, कोई खाद वाद नहीं डाला था। जो मिट्टी मेरी पहले से तैयार थी उसी में लगा दी थी। कई गमलों में मैंने लगाई थी और सभी गमलों में छोटी बड़ी सभी तरह के टुकड़े जो लगाए थे वो सब लग चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ये जो आप पर्सलिन और पॉर्चुला का देख रहे हैं, इनको अभी थोड़ा सा टाइम और रुकने दीजिए, फिर उसके बाद इसके लिए आप नेक्स्ट सीजन के लिए सेव करके रखेंगे हम। तो ये इधर मैं दिखा दूँ आपको, ये मैंने जो गेंदे वगैरह शिफ्ट किए हैं वो हैं सारे। और गार्डन आपको थोड़ा सा साफ़ सुथरा लग रहा होगा, क्योंकि जब भी हम गार्डनिंग करते हैं तो मेरे गार्डनर दोस्त सब जानते होंगे कि जितना साफ़ सुथरा हम दिखाते हैं वो हमें करना पड़ता है, तभी हम उसको दिखा पाते हैं। वरना तो जहाँ पेड़ होंगे, फूल होंगे, पत्ते होंगे, वहाँ गंदगी तो होगी, तो और हमें उसको साफ़ भी करना होता है। ये देखो मैंने आज इसको साफ़ किया है, संडे का मुझे टाइम मिलता है केवल। तो ये मैंने कुछ सारा कचरा निकाल के बाहर रखा हुआ है बोरी में भर के। इसमें पत्ते हैं और गार्डन में निकलता क्या है, पत्ते ही निकलते हैं, पत्ते फूल यही सारा कूड़ा होता है। तो मैं इसको भर के रख लेती हूँ, सूख जाता है। और बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा कूड़ा होता है, लकड़ियाँ वकड़ियाँ, उनको हटा देती हूँ। और जैसे ये देखो मेरे कुछ गमले मैंने खाली किए हुए हैं, ये है मिट्टी सारी। इस मिट्टी को अभी कुछ एक दो दिन सूखने देंगे, उसके बाद में इसमें खाद मिला करके ये और सर्दियों के प्लांट्स के लिए इनको तैयार कर लेंगे हम। ये देखो मैंने अभी यहाँ से सब साफ़ किया था पूरा। गुलाब पर देखो खूब सारे फूल आने लगे हैं, अब कलियाँ बन रही हैं। और अब तो फूल का साइज़ भी थोड़ा बड़ा हो गया है, सर्दियाँ हैं, देखो नए नए शूट्स कैसे निकली हुई हैं इसमें। और इनके लिए कटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, तो साथ साथ जितने भी फूल वाले प्लांट्स हैं उनकी प्रूनिंग जितनी होती रहती है उतना अच्छे फूल आते हैं। ये बैंगन लग गए हैं, मैंने आपको बताया था कि शायद खाने को मिले, लेकिन देखिए पिछली वीडियो में। और ये देखो लग भी गए। तो इस तरह आप अपने गार्डन में सब्जियां भी लगा सकते हैं। ये मैंने सर्दियों की तैयारी, ये गेंदे देखिए मैंने सारे कितने सारे लगा रखे हैं, जब ये फूल खिलेंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे, पूरा गार्डन भर जाएगा फूलों से। अभी तो सर्दियों के प्लांट्स लाना बाकी हैं, ये तो सिर्फ गेंदे ही लगाए हैं। तो मैंने बहुत सारे प्लांट्स की सीड्स डाल रखे हैं, कई सारी वैरायटी के, और वो जब हो जाएंगे, ये वही थर्माकोल का बॉक्स है, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी उन सीड्स को जब ग्रो हो जाएंगे तब। ये इधर देखिए गुलाब का मेरा छोटा सा प्लांट है, लेकिन इस पर खूब सारी ढेर सारी अब कलियाँ आ गई हैं और अब फूल भी खिलने के वाले हैं बहुत सारे। ये एक जोरा पूरा फूलों से भरा हुआ है, इसमें दो कलर हैं, दोनों मैंने एक साथ गमले एक ही गमले में लगाए हुए हैं। और फ्रेंड्स देखिए जब फूल खिलते हैं इस पर तो भर के खिलते हैं, बहुत ही अच्छा प्लांट है ये। इस पर भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। कि दूसरा एक जोरा है, इसको अभी खाद की ज़रूरत है, कुछ मैंने इसमें डाली भी हुई है, किचन वेस्ट जो होता है वो मैंने डाला हुआ है, और तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है। इधर कुछ इस तरह का लगा हुआ है, ये एक्चुअली ये वाला मकान जब बन रहा है ना, इसकी वजह से मुझे इस वाले पोर्शन में बहुत प्रॉब्लम होती है, यहाँ बहुत सीमेंट वीमेंट गिरता रहता है, तो मैंने इसलिए इधर ज़्यादा प्लांट्स रखे नहीं हैं अपने, अभी हटा दिए हैं इधर से। ये देखो पर्पल हार्ट,
कितने सुंदर फूल खिल रहे हैं। लेकिन ये जो बच्चे हैं ना बिल्ली के, अभी आपने देखे थे, ये बदमाशी करने लगे हैं। और ये देखो तोड़ भी दिया है काफ़ी गुस्से से। कैनेडियम का कलर कितना प्यारा है। ये सारे शेडी प्लांट्स हैं। और इनमें मैंने, ये देखिए आपको कुछ सीड्स देख भी रहे होंगे, ये मैंने ग्रो किए हुए हैं। अभी देखो ये नस्ट्रियम है, जब इनके छोटे छोटे पौधे निकल आएंगे तब मैं आपके साथ वीडियो और शेयर करूंगी इनका। तो अभी सीड्स जितने भी आपके पास हों अगर सर्दियों वाले, तो आप उन्हें ग्रो कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा टाइम है इस समय। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए बाय दोस्तों।